समस्या बातरी दूर हो गई। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे दुख गाय को हो। भगवान कृष्ण को जन्म हो, हमें तो कोई दुख ना, दुख तो एमएलए और एमपी को, इनको जेब भरे कैसे। आप पूरे, मैं आपसे मीडिया वालों से ये कह रहा हूँ, आप इस कैमरे को लेके पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा लगा में, पूरे ब्रजमंडल में नाली नहीं है देहातों में, ऐसा पानी चलता है जाती है, कहता है कि तुम्हारा ब्रजमंडल है वो हेमा मालिनी भी कहती है, बहुत विकास किया है, बस इसको गोद ले लिया, उसको गोद ले लिया, किस किस को गोद ले लिया, जगह जगह तीर्थ विकास के वो पत्थर लगा दिए गए हैं, उसको शुक्ला वो कौन से पहले यहाँ वो हुए थे, तीर्थ विकास पर्षद जो बनी है उनके जगह जगह बोर्ड जरूर लग रहे हैं, उनका विकास तो बता, मैं विकास उन जगह किया है जिस जगह धन आवे और ब्राह्मणों को मारा जाए और जातों को बिठाला जाए, ब्राह्मण मार विद्या, मथुरा को तीर्थ घोषित नहीं करा, जो मथुरा तीर्थ घोषित है उसको तीर्थ घोषित नहीं किया, तीर्थ घोषित कौन सा है, हमारी गली की नाली, वो नाली में गोते लगाएंगे क्या, हम तीर्थ यमुना जी का घाट, जन्मभूमि तीर्थ है, जन्मभूमि तीर्थ से मतलब है यमुना, मथुरा तीर्थ से घोषित होती है, कौन सा विकास है, वो विकास तो बता, चले हमारे संघ में हेमा मालिनी परे तो किसी को आने नहीं देती, फटकारती है कार्यकर्ता को, ऐसे तरह फटकारती है कोई डॉग आ गया हो, इस प्रकार तो कार्यकर्ताओं को फटकारती है हेमा मालिनी जी। उम्मीद तो यही है कि योगी मोदी को आदमी वोट दे रहा है, योगी मोदी को वोट दे रहा है, दूसरे सामने कोई नेता नहीं है, सब भ्रष्टाचारी नेता है, चाहे किसी को भी ले जावे, ये मोदी की गारंटी है, योगी की मोदी उसमें गारंटी में चल रही है और उसी पर चल रही है, कब तीर्थ घोषित होगा और कब योगी जी हमारे द्वारका जी के एकदम दर्शन करने, कब हमारे श्री यमुना जी के दर्शन करने आएंगे। मथुरा तो भाजपा की मैनिफेस्टो में रहा है, जिस तरह एक बार बनारस का विकास हुआ है उस तरह यहाँ भी विकास चल रहा है, पर विकास की गति जो है वो काफी धीमी है, तो हम चाहते हैं विकास थोड़ा रफ्तार पकड़े, जो बेसिक समस्याएं जैसे यहाँ कस्टमर आते हैं काफी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं, उनको बेसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे जल भराव यहाँ काफी हो जाता है, बारिश बराती होती है तो जल भराव हो जाता है, सड़कें यहाँ प्रॉपर नहीं बनी हुई है, होता है काम होता है, पर वो रफ्तार अभी काफी धीमी है, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह हेमा मालिनी को इस बार ही पूरा समर्थन के साथ सीट दी गई है तो वो उस कार्य को वो काफी आगे बढ़ाएं, हर बार यहाँ मुख्यमंत्री भी काफी बार आते हैं तो उनको ये थोड़ा ध्यान रख देना चाहिए यहाँ के विकास पर, और जिस तरह यहाँ समस्याएं हैं, ऐसे बंदरों की समस्याएं हैं, इससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत होती है, अब फिर से हेमा मालिनी जी को टिकट दी गई है तो उनको स्थानीय लोगों से थोड़ा बात करके उसको समस्या को थोड़ा समझना चाहिए, उनका जो वार्तालाप का है उनसे स्थानीय लोगों से थोड़ा कम है, जिससे क्या उनकी बेसिक समस्याएं उनको तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे बंदरों से यहाँ काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, तो उसका निजात का कई बार उनके दिया गया है, उसके लिए कई बार कदम भी उठाए गए हैं और वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार हेमा मालिनी आई हैं तो उन बेसिक समस्याओं पर ध्यान दें, लोगों से वार्तालाप करें, वैसे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के जो अपने आवासीय लोग हैं या वैसे भी लोग हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है अच्छी तरह से चल रही है, पर हम चाहते हैं कि हेमा मालिनी इस पर ध्यान दें। हेमा मालिनी जी हमारी 10 साल से सांसद हैं, उनके मथुरा में जो कार्यकाल है बहुत अच्छे कार्यकाल है, और जिसमें कि मथुरा का सौंदर्यकरण, ब्रिज का सौंदर्यकरण बहुत हुआ है, और बस दो तीन समस्याएं ऐसी हैं जो अभी उन्होंने घोषणा की हुई है वो होनी है और अगले कार्यकाल में वो कर देंगी, जैसे जमुना का सौंदर्यकरण है, बंदरों की समस्याएं हैं, और बंदरों की समस्याओं के लिए उन्होंने सफारी बनाने की जो बात की है वो भी बन जाएगी, वो इतने काम किए उनके बहुत अच्छे हैं और आगे भी अच्छे ही होंगे, उनकी छवि बाकी नेताओं से बहुत अच्छी छवि है और उन पर कोई लांछन नहीं है, कोई उन पर आरोप नहीं है, बहुत अच्छी छवि की नेता हैं और उनका कोई विरोध नहीं है।